बनारस मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और लगभग 360 दिन वहाँ पर 144 लगी रहती है। कुछ खास दिनों जिस दिन वो आते हैं, मुख्यमंत्री आता है या त्यौहार होता है, उसी दिन खुलता है, बाकी हमेशा वहाँ पर धारा 144 लगी रहती है। और 19 तारीख को वहाँ पर भी विरोध का आह्वान किया गया था, लेकिन 15 तारीख से ही पुलिस का बंदोबस्त हुआ। सरकार की पूरी मशीनरी, जो एक्टिविस्ट थे, जो विरोध कर सकते थे, जो नोन थे शहर में, उनके घर पर दबिश देना शुरू की, उनको पकड़ने की कोशिश शुरू की। और एक पन्ना उनसे एक बॉन्ड जैसा रखा था कि जो मिलते थे घर पे उनसे वो बॉन्ड भरवा रही थी पहले से कि आप जो है घर से उस दिन निकलेंगे नहीं, किसी तरीके से जो है ये धारा 144 का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन किसी तरह से सब लोगों ने तय किया था, सब लोग भूमिगत हो गए थे, अंडरग्राउंड हो गए थे कोई दूसरी जगह, और एक 19 तारीख को सब लोग जो है बेनियाबाग का एक मैदान है जहां बड़ी चुनावी सभा होती है और आसपास मुसलमानों का इलाका है, वहां पर सभी लोग वहां पर एकत्रित हुए और 10 मिनट के अंदर, हजारों लोग एकत्रित थे लेकिन 10 मिनट के अंदर लगभग 5 से 6 हज़ार के करीब पुलिस वहाँ तैनात थी, उसने घेर रखा था पूरे ग्राउंड को, और जो जो लोग मिले वहाँ उन लोगों को पकड़ लिया, बुरी तरह से उठा के अपनी गाड़ियों में फेंक दिया और ले जाके पुलिस लाइन चली गई। ये 12:30 बजे के करीब 10 मिनट के अंदर वहाँ ले जाने के बाद बनारस में 19 तारीख को 4-5 थानों में पूरे ज़िले के अलग अलग जगहों पर इस तरह के का एहतजाज हुआ, विरोध हुआ, लेकिन कहीं हिंसा नहीं हुई। और अभी ये 20 तारीख के एहतजाज का वहाँ पर अनाउंसमेंट भी हो चुका था। तो 19 तारीख को जिनको ले गई, 12:30 बजे के करीब वो पुलिस लाइन ले गई, वहाँ बैठाए रखी, वहाँ हजारों लोग वहाँ पहुँचे, लेकिन उसने कहा कि अगर यहाँ नहीं जाते आपको सबको यहाँ से जो है बंद कर दिया जाएगा, सबको भेजा दिया जाएगा। और जैसे जैसे लोग इकट्ठा होते गए, पुलिस की तादाद बहुत बढ़ती गई, अंततः एक इंस्पेक्टर आया और उसने कहा कि देखिए ये हमारे बस में नहीं है, आप लोग यहाँ से चले जाइए, ये हमारे पास जो निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा। उसे निर्देश कहीं से प्राप्त हो रहा था बिना, उसने कहा कि आप ये साधारण गिरफ्तारी मत समझिए। सबको लगता था कि 144 में अभी शाम तक छोड़ देंगे या 151 में जाएंगे। 6 बजे के करीब उन्हें जेल ले जाया गया और उसके बाद उसमें 56 लोग थे, 56 लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। और उसके बाद जो है जमानत के लिए जब वहां अर्जी दी गई तो जमानत में ये 3 दिन तक कोर्ट में कागज नहीं आए। कोर्ट में कहा जा रहा है कि कागज मंगाया जाए तो वो जो पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ से 2 किलोमीटर जो है थाना है, इतनी जल्दी कागज कैसे आ सकता है, 3 दिन तक कागज नहीं आए। 3 दिन के बाद जब वहाँ पुलिस के यहाँ से वो केस डायरी आती है और तो उसके बाद उन्हें 151 में तो जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है, लेकिन जमानत के बाद फिर उनके पास उनके ऊपर जो है 147, 148, 149, 188, 300, 298, 353, 333 धाराएं ला दी गई। और इसके कुछ फिर कोर्ट बंद हो गया, उन्होंने केस डायरी फिर से नहीं आई, ये नई धाराएं ला दी गई, इसलिए जमानत से वे बाहर नहीं आ पाएंगे। और 8 दिन तक कोर्ट बंद रहा। उसके बाद फिर जब वो केस डायरी मंगाई गई उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ लोगों की जमानत हुई और 3 लोगों को उसमें कह दिया उन्होंने कि इनके ऊपर जो है 153A और 153B CCL Act लगा गया, इन्होंने शहर की शांति भंग करने के का रोल अदा किया है। बड़े अफसोस की बात है कि जज पूछता है, हमारे जो काउंसिल है उससे एक पहली बार तो कहता है कि मैंने आपकी कितनी जमानत खारिज की है आपको पता है ना, और दूसरी बात जब 153A और B में जमानत का कागज जाता है वो कहता है, पुलिस को कहता है कि आपने इतनी धाराएं लागू की, इतनी धाराएं लगाई है, खुले आम पूरे कोर्ट में कहता है। इस दौरान 3 दिन तक न तो मिलने दिया जा रहा था, न उनसे बात करने दी जा रही थी, और जब पुलिस कमिश्नर और डीएम से मुलाकात की गई कि आप कम से कम मिलने तो दीजिए, उसमें 2 औरतें हैं जिनके 10 महीने का 12 महीने का बच्चा है और वो घर उनसे भी तो मिलने दीजिए, उनकी जानकारी लेने दीजिए, तो पुलिस कमिश्नर और डीएम का जो बर्ताव था, उनकी जो बातचीत थी, वो जैसे कोई साधारण सा सब इंस्पेक्टर बात कर रहा है। वो मैं खुद मौजूद था, मेरे घर तो खुद ये बॉन्ड लेके पुलिस पहुंची थी पर मैं नहीं मिला, तो वो कह रहा है बाकायदा उससे कि 14 दिन की तो बात आप मत करिए, 14 दिन तो हम 151 में भी रख सकते हैं, 144 आपने भंग कर दिया है, तो 14 दिन बाद
जिस 19 तारीख को ये लोग पकड़े गए, 20 तारीख को एसएसपी का बयान आता है कि अभी तमाम लोग तलाशे जा रहे हैं और उसने कुछ फोटोज जारी किए कि ये फोटोज हैं, ये लोग तलाशे जा रहे हैं और 78 लोगों को चिन्हित कर लिया गया, उनकी भी धरपकड़ बाकी होगी और 4 तारीख के पहले आप जमानत के लिए कोशिश जमानत नहीं हो पाएगी। ये पुलिस कप्तान कह रहा, अखबार में छप रहा है और अखबार लिख रहे हैं कि ये हुड़दंगी थे, अखबारों ने उन्हें हुड़दंगी और बदमाश कहा कि जो शहर की शांति को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बमुश्किल तमाम उन 3 लोगों की जमानत कल हुई और अभी भी, और दूसरे जो पिंडरा थाना है हमारा, बड़ा गांव थाना है, इन जगह पर 4-4, 6-6 लोगों को बंद किया था, उन्हें छोड़ दिया। और बजरडीहा एक इलाका है जो मुस्लिम बहुल इलाका है, ये जो 56 लोग पकड़े गए थे इनमें भी CPI, CPM, माले, NSUI, ISA, SFI, ये तमाम विश्वविद्यालय के लगभग 25-30 लोग विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे और ये तमाम पार्टियों के जिले लेवल के सभी प्रमुख लोग उसमें मौजूद थे, जिन लोगों ने जो लोग गिरफ्तार किए गए इतने प्रभावशाली लोगों के होने के बावजूद, पुलिस जो है 3 दिन तक मिलने नहीं दे रही। तमाम स्टेट के लीडर वहां पर मौजूद थे, ये कम्युनिस्ट पार्टियों के 3 स्टेट लीडर वहां मौजूद थे लेकिन मिलने नहीं दे रहा। बोले लाल झंडे का जो ये रोल रहा है ये बहुत खतरनाक है, हम एक भी लाल झंडा प्रदेश में रहने नहीं देंगे। इसी बीच योगी जी आते हैं और सवेरे उनका बयान होता है कि किसी को न छोड़ा जाए, ये चीफ मिनिस्टर कहता है। मदनपुर बजरडीहा एक मुस्लिम इलाका है, उस बजरडीहा मुस्लिम इलाके में 20 तारीख को एकदम साधारण ढंग से वो प्रतिवाद हो रहा था, लोग निकले हुए थे, पुलिस पहुंचती है, पता नहीं कब क्या होता है कि पत्थर चलने लगता है और पुलिस की तरफ से लाठियां बांधने जाती है, 2500 आदमी वहां घायल होते हैं और चूंकि वो पूरा का पूरा मुस्लिम इलाका है वहां पर, और 2500 आदमी घायल होते हैं और उसके बाद उस भगदड़ में एक बच्चा जो है 12 साल का बच्चा दब कर कुचल कर मर जाता है। इतनी बुरी तरह इनको पीटा जाता है और ले जाके ट्रामा सेंटर में भर्ती किया जाता है और उनकी जमानत आज तक नहीं हुई है, तारीख पे तारीख पड़ रही है, 9 तारीख उनकी पड़ी हुई है। तो लगभग 20 लोग अभी तक बंद हैं, उनकी जमानत के लिए कोई तैयार नहीं है, मतलब उनकी जमानत के लिए स्टेट तैयार नहीं। स्टेट का जो रोल रहा है बहुत ही शर्मनाक रहा है, जेल के अंदर भी उसका व्यवहार बहुत खराब रहा है, क्रिमिनल्स के साथ जो है इन लोगों को रखा गया था और इनके साथ क्रिमिनल बहुत मिसबिहेव करते थे और अभी तो ये बहुत अस्तित्व नहीं है, पर एक निकलने वाला व्यक्ति कह रहा था कि वो उसमें जो हमारा साथी गया हुआ तो कह रहा था कि उसको किसी क्रिमिनल ने टार्चर किया कि तुम लोग जो है वो हुड़दंगी हो, बदमाश हो, देखते हैं। तो इस तरह से अंदर और बाहर दोनों तरह से टॉर्चर करने की कोशिश की गई। जितने मुस्लिम इलाके हैं उनके यहां रात में छापे पड़े, रात में दौड़ा दौड़ा के उनके घरों को ताले तोड़ तोड़ के उनके घरों में को खुलवा खुलवा के उनको कहा गया कि तुम लोग जो है मानो कि तुम लोग हुड़दंगी हो, नहीं तो तुम लोगों के ऊपर लाखों लाख रुपए का जो है वो जुर्माना लगा दिया जाएगा, सरकार की जिम्मेदारी, सरकार जो इस तरह से लगा रही है और एक एक आदमी चिन्हित किए जा रहे हैं। एक साधारण सा पर्चा वहां बटा हुआ था जिसमें इस तरह की कोई बात नहीं थी, सिर्फ ये था कि बहुत साधारण ढंग से हम इसका विरोध करते हैं, इसको लागू नहीं होने देंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। और इस पर्चे के बहुत योजनाबद्ध तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये इस FIR के बीच में एक नई FIR आती है हमारे साथियों को जमानत न देने के लिए कि अज्ञात लोगों के खिलाफ जो अज्ञात FIR है उसमें लिखा हुआ है कि ये एक पर्चा जो बांट रहे थे जिससे शहर की शांति भंग हो सकती थी, बहुत साधारण सा पर्चा था और उस पर्चे के आधार पर फिर 3 दिन उनको डिटेन कर दिया गया कि अभी ये जो है जांच हो रही है, 7CLA एक्ट के जाते आपके ऊपर NSA लगाया जाए, खुलेआम इस तरह की बात हो रही थी, टॉर्चर किया गया, आज भी लोग डरे हुए हैं, घरों से निकल नहीं रहे हैं और बजरडीहा और मदन जो का जो इलाका है जो मुस्लिम बाहुल इलाका है आज भी लोग वहां से छोड़कर भागे हुए हैं। राज्य का रवैया बहुत ही शर्मनाक है, बहुत बुरी तरह वो लोग डरे हुए हैं, तमाम लोग अभी भागे हुए हैं। इस दौरान एक बात ये रही और ख़ास तौर पर ये रहा कि 1-2-3 जो CPI, CPM और CPI ML के लोग थे उनके साथ जितना दुर्व्यवहार जेल में हो
सकता था, संभव हो सकता था, राज्य ने किया कि तुम लोगों ने ये जो बनारस को जो है आग में झोंकने का काम किया है, आगे भी तुम्हें हम इस तरह से ले जाएंगे और एक भी जन आंदोलन, एक भी धरना प्रदर्शन इस शहर में नहीं होने दिया जाएगा, शांति भंग होने नहीं दिया जाएगा। इस तरह के जो जो पर्चे में बांटे गए, 6000 लोगों के पास अज्ञात रिपोर्ट है, हर रिपोर्ट में 25-30-40 लोगों के पास रिपोर्ट है, लगातार LIO और IB के लोग उनके घरों को जो है आगे पीछे चक्कर लगा रहे, कह रहे हैं। और उसी दौरान जब ये मुकदमा चल रहा था, जमानत खारिज हो गई थी, सैकड़ों वकील NRC के फेवर में DM पोर्टिको में DM के सामने जो है NRC के और CAA के पक्ष में लगा रहे थे, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। और बड़ी मुश्किल से ये एक बात ये बेहतर रही कि हजारों लोग कचहरी में मौजूद थे, हजारों लोग थानों पर जाते थे, कोई एक व्यक्ति अकेला थाने पर नहीं जाता था, कम से कम 400 से 500 लोग रिपोर्ट पूछने जाते थे। इसका ये हुआ कि इन लोगों को जो है मारा नहीं गया, 12-12 बजे रात तक थानों के दौरान लोग बैठे रहते थे, लेकिन अभी भी लोग डरे हुए हैं, भागे हुए हैं। हम जैसे लोगों को, जिन लोगों ने वहाँ पर शांतिप्रिय ढंग से कहा किया, वो थ्रेटनिंग मिल रही है और हालत अच्छे नहीं है। जाने के बाद क्या होगा, और जो हमारे साथी कल छूट कर आए हैं इतने डरे हुए हैं, उनको जेल में भी इतना डराया गया, और ऐसे एक आदमी को उनका इन्वेस्टिगेशन करना सौंप दिया गया था, जो आदमी नोन है कि वो बदतमीजी करता है, दुश्मन इस तरह से माइनॉरिटी का और इस तरह के जन आंदोलनों के जो एक्टिविस्ट हैं उनका दुश्मन नोन है बनारस में, उसको जेल में पूछताछ करने के लिए भेज दिया गया। तो हालात बड़े खराब हैं, लेकिन इसमें सॉलिडरिटी की जरूरत है। ये वाकई उत्तर प्रदेश में अभी इस स्थिति में नहीं है कि हम इस तरह का कोई कार्यक्रम कर सकें। दिल्ली में कार्यक्रम हुआ, ये बहुत अच्छी पहल है, हम सब लोग आए, हम सब लोग एकजुटता दिखाएं और लड़ने की जरूरत है। और विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात ना करें तो पूरी नहीं होती। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में RSS और ABPP के लोग जहां चाहे झंडे गाड़ सकते हैं, जहां चाहे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं हमारे खिलाफ, और हम लोगों के पूरी के पूरे लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा, उसको मारा जा रहा है, डांटा जा रहा है, अपॉइंटमेंट से लेकर और हर चीजों में NRC और CAA की जो बात कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में एक खास बात और मैं बताऊं, कल जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कुछ NGOs और कुछ वो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको ऑर्डर आया हुआ है कि वो लोगों के पास जो है कॉलेजेस में, स्कूल कॉलेजेस में जो है इसके बारे में जागरूकता अभियान चला रहा, तमाम लोगों को लेटर दिया जा रहा कि आप इसके बारे में जागरूकता अभियान चलाएं। हमारे यहाँ भी कल एक कोई फाउंडेशन का व्यक्ति आया था और उसने लेटर दिया कि आप इसको जो है जागरूकता अभियान चलाइए। मैंने कहा आप अपने उच्च शिक्षा अधिकारी से पूछ लीजिए कि मेरे बारे में वो क्या जानते हैं, हम अपने यहाँ चलाएंगे, ज़रूर बच्चों को बताएंगे। तो उसने बातचीत किया तो उसको कहा कि अरे भाई तुम वहाँ से हट जाओ, तुम उनके यहाँ कहाँ चले गए, दूसरे के यहाँ करो। अभी ये हालत है प्रदेश की, ये हालत है बनारस की। बनारस में आप धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपसे ज़्यादा वहाँ पुलिस, IB और LIO के लोग होते हैं। और कोई ये हालत, इन हालात में भी कुछ रोशनी है, कुछ रोशनी यहाँ भी मिली, कुछ कि इतने लोग इस सॉलिडरिटी में खड़े हैं। हम लड़ेंगे साथी और जीतेंगे। धन्यवाद।